हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पोगो क्लास। टुडेज आई टीच यू ईवीएस सब्जेक्ट ऑफ क्लास फोर्थ, लेसन नंबर 9, स्पेशलिटी ऑफ वाटर। वाटर की विशेषताएं है, जल के बिना जीवन असंभव है। जल से ही हम जी रहे हैं। हमारे शरीर का लगभग 70% मतलब 70% जो है जल से ही बना है ना। तो चलो आज हम लोग जल की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। वाटर हैज मैनी स्पेशलिटी। वाटर की बहुत सारी विशेषताएं होती है। इट डिसॉल्व्स मैनी थिंग्स इन इट। वो अपने अंदर बहुत सारे चीजों को घोल लेता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट डज नॉट डिसॉल्व मैनी थिंग्स, और कुछ जो वस्तु हैं उसको नहीं घोल पाता। सर्टेन थिंग्स फ्लोट ऑन इट, उसमें से कुछ वस्तु क्या हो जाते हैं, तैर जाते हैं ऊपर सतह में। फॉइल सम अदर्स सिंक, और कुछ वस्तु जो है डूब जाती है, पानी के अंदर डूब जाता है। डज हैव एनी टेस्ट, क्या पानी का कोई टेस्ट होता है, कुछ स्वाद नहीं होता है ना। Does water have any smell? क्या पानी का कोई सुगंध होता है, नहीं होता है, पानी का कोई सुगंध नहीं होता। Next है, write down the specialty of water known to you. Water का क्या लिखना है, विशेषता लिखना है जिसको आप जानते हैं। So आप लिख सकते हैं, water is a good सॉल्वेंट। वाटर बहुत अच्छा विलायक है, मतलब अपने अंदर उन से चीज़ों को घोल लेता है। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन है। ऑर्डरलेस मतलब कोई सुगंध नहीं होता, गंधहीन है, नो स्मेल है। एंड टेस्ट है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन है। नेक्स्ट, वेयर डीड वाटर गो, वाटर कहाँ चला गया। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसको करके देखना है। पुट अ स्पून फुल ऑफ वाटर इन अ बॉल, है ना। स्पून फुल वाटर मतलब एक चम्मच पानी लेना है। कीप इट इन द सन, और इसको कहाँ रख देना है, सन मतलब खुले में रख देना है, आंगन में। लुक एट द बॉल आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ का पानी कहाँ चला गया है, गायब हो जाता है। ये कैसे होता है, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको पता चल जाएगा। टेल वेयर डिड द वाटर फ्रॉम द बॉल गो, क्या हो जाता है, उसमें का पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन के वो ऊपर उड़ जाता है। वाटर ऑफ द, इसमें आप लिख सकते हैं, वाटर ऑफ द बॉल फॉर्मेड वेपर बाय द हीट ऑफ द सन, इसमें का जो पानी है वो सन लाइट से क्या होता है, हीट होकर गर्म होकर वेपर बन जाता है, मतलब वाष्प बन जाता है और ऊपर उड़ जाता है। एंड इवेपोरेट्स, और क्या हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर इन कुल्फी, कुल्फी मतलब जो हम खाते हैं ठंडी ठंडी वाला बर्फ का बना हुआ। देन वॉट इज कुल्फी मेड ऑफ, जो कुल्फी है वो किससे बना होता है। कुल्फी इज मेड ऑफ वाटर, है ना, वाटर से बना रहता है, उसमें कुछ कलर भी डालते हैं। वो हाउ इज कुल्फी मेड, कुल्फी कैसे बनाया जाता है, बनता है व्हेन वाटर इज कूल्ड टू 0°C, इट बिकम्स कुल्फी। वो 0°C मतलब सेल्सियस में क्या हो जाता है, आता है पानी, है ना, कूल्ड हो जाता है ठंडा, वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स कुल्फी, और वो क्या बन जाता है, कुल्फी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है कुल्फी का, है ना, वॉट डिसॉल्व एंड वॉट डिडंट। नेक्स्ट, शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर स्वीट ड्रिंक्स, है ना। शुगर मतलब शक्कर को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रिपेयर स्वीट ड्रिंक, वो मीठा पानी बन जाता है। वॉट आर द थिंग्स विच डिसॉल्व इन द वॉटर, लेट्स फाइंड। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं क्या होती है, घुलती है, और कौन सा नहीं घुलता है, उसको फाइंड आउट मतलब उसको बाहर करना है, निकालते हैं। यहाँ देखते हैं,
Can you guess as what are the things which not dissolve and do not dissolve in the water? Can you guess मतलब क्या आप बता सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें घुलती हैं और कौन सी नहीं घुलती हैं? On the basis of your guess, आप जैसे अंदाजा लगाइए, फिर in the table given below with the things which dissolve or do not dissolve in water. यहाँ जो टेबल है उसको फिलअप करना है जो घुलता है और जो नहीं घुलता है उसमें, ठीक है। यहाँ आप अपने जो अंदाजा लगाए हैं ना, गैसेस के हैं, उसको राइट रॉन्ग कर सकते हैं। शुगर देखिए, शुगर जो है वो पानी में, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ना, डिसॉल्व होता है, तो यहाँ पे डिसॉल्व लिखेंगे और आपका जो गैस है वो राइट है। इस प्रकार से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे पेपर है तो पेपर यहाँ पे क्या आएगा, डिड नॉट डिसॉल्व है, वो नहीं घुलेगा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं राइट है कि रॉन्ग, उसको आप फिलअप कीजिएगा। चौक डिसॉल्व पानी में घुल जाता है कि सिंक हो जाता है, चलिए बताइए। चौक जो है पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता, वो सिंक हो जाता है ना। अगर उसको तोड़ के डालो तब घुलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डिड नॉट डिसॉल्व। पेंसिल, पेंसिल भी नहीं घुलता है। रबर डिड नॉट डिसॉल्व। मार्बल्स, वो भी नहीं घुलेगा। कंचे, वैक्स, ये भी नहीं घुलेगा, ऊपर परत में जम जाएगा। सोडा, सोडा डिसॉल्व घुल जाएगा। हल्दी भी घुल जाएगा। फ्लोर, आटा भी घुल जाएगा। आपका लाइम है ना, वो भी घुल जाएगा। सॉइल, मिट्टी, ये भी घुल जाएगा। सैंड, रेत नहीं घुलेगा। यूरिया भी घुल जाएगा, है ना। इफ यू हैव फिल्ड इन द टेबल विथ योर गैस देन डू सम एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई इट। अगर जो आपने इसको गैस के माध्यम से फिल किया है तो एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप करके देख भी सकते हैं कौन सा घुला कौन सा नहीं घुला। एक्सपेरिमेंट नंबर वन देखिए यहाँ, कलेक्ट द थिंग्स गिवन इन द टेबल। जो भी थिंग्स आपको दिया गया है टेबल में उसके अकॉर्डिंग, नाउ पुट देम वन बाय वन इन अ बॉल और ग्लास विच इज फुल ऑफ वाटर। जो भी टेबल में वस्तु दिया गया है उसको एक गिलास जो पानी लेना है उसमें वन बाय वन घोलते जाना है, पुट मतलब रखते जाना है। वेट फॉर अ व्हाइल एंड ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व कीजिए, अवलोकन कीजिए, देखिए डिड दे डिसॉल्व और नॉट फिल इन द टेबल, और उसको टेबल में फिलअप करते जाइए कौन सा घुला कौन सा नहीं घुला, है ना। नाउ टेल हाउ मैनी ऑफ यूर गेसेस प्रूव्ड राइट। अब देखिए आपने जो जो किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पानी की बॉटल ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, पानी की एक बॉटल लेना है और इसमें घोल के देखना है। जैसे आपको क्या दिया था, मिट्टी दिया था, है ना, तो मिट्टी जो है पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है। देखिए इस प्रकार से ये डूब गया और ये जो है धीरे धीरे पानी में घुल जाएगा। और कोई शीट्स है ना, वो भी डूब गया ये, लेकिन नहीं घुलेगा। और आपका जो पेंसिल है ना, पेंसिल भी नहीं घुलेगा। देखिए ऐसे पेंसिल आप डाल सकते हैं, ये भी नहीं घुलेगा, है ना। और क्या दिया है आपका, हल्दी, ये घुल जाएगा। और शुगर भी घुल जाएगा। आप इस प्रकार से एक बॉल लेकर घोल के देख सकते हैं, ये मिट्टी देखना, धीरे धीरे ये घुल जाएगा। ये जो है मिट्टी, ये पानी में धीरे धीरे घुल जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर टू देखते हैं हम लोग। देखिए विच डिसॉल्व मोर, कौन ज्यादा घुलता है। विच डिसॉल्व मोर, शुगर एंड सॉल्ट बोथ डिसॉल्व इन वाटर। दो शुगर और जो नमक है दोनों पानी में घुलता है।
शे बाय गैस विच ऑफ देम डिसॉल्व मोर, आपको अंदाजा लगा के बताना है कि कौन सा ज़्यादा घुलता है। सॉल्ट विल डिसॉल्व मोर, जो नमक है वो ज़्यादा घुलेगा। लेट्स फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सम पैकेट्स ऑफ शुगर एंड सम पैकेट्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट है ना, आपको कुछ पैकेट शुगर लेना है और कुछ पैकेट नमक लेना है। द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट शुड बी द सेम, पहले क्या करना है, दोनों का क्वांटिटी सेम लेना है और उसके बाद घोलते जाना है। यूज अ स्मॉल स्पून फॉर दिस, उसको घोलने के लिए स्मॉल स्पून यूज कर सकते हैं शुगर और सॉल्ट के लिए, है ना। इस प्रकार से आप घोल सकते हैं और देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा घुलेगा। नाउ टेक टू स्मॉल एंड सिमिलर बॉल्स एंड फिल देम विथ इक्वल क्वान्टिटी ऑफ वाटर, दोनों में इक्वल वाटर होना चाहिए। जैसे वन ग्लास वाटर शुगर के लिए, तो वन ग्लास वाटर जो है सॉल्ट के लिए सेम सेम क्वान्टिटी में लेना है आपको। नाउ पोर द शुगर एंड द सॉल्ट इन टू देम, अब आपको क्या करना है, शुगर और सॉल्ट को पोर मतलब घोलना है, डालते जाना है। कीप शेकिंग द बॉल्स, बॉल्स को भी हिलाना है। व्हेन वन पैकेट डिसॉल्व पोर एंड अदर पैकेट, अगर एक पैकेट शुगर या सॉल्ट घुल गया तो नेक्स्ट पैकेट को डालना है। देयर इज अ सिचुएशन व्हेन आइदर ऑफ देम विल नॉट डिसॉल्व, एक स्थिति ऐसा आएगा, है ना, जब क्या होगा, जो शुगर या सॉल्ट है वो नहीं घुलेगा। इफ इट डज नॉट डिसॉल्व इवन आफ्टर शेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टॉप पोरिंग, अब उसके बाद क्या करना है, बहुत टाइम तक उसको अगर नहीं घुलता है तो बहुत टाइम तक आपको क्या करना है, सेक करना, हिलाना है लंबे समय के बाद। उसके बाद क्या कर देना है, जो घुमा रही है ना चम्मच उसको बंद कर देना है। एक स्थिति ऐसा आएगा जब उसमें कुछ नहीं घुलेगा, क्योंकि उसमें जो शुगर है उसकी मात्रा पानी के हिसाब से वो पूरा घुल गया है, उसकी सांद्रता पूरी तरह से हो गई, कंप्लीट घुल गई, घुलने की जो शक्ति है वो। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्वड, थ्री पैकेट्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व, है ना, कितने पैकेट जो नमक है वो घुला, तीन पैकेट, है ना, एक गिलास पानी में। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ शुगर डिसॉल्वड, कितना पैकेट शुगर घुला, टू पैकेट्स। नाउ टेल विच ऑफ देम डिसॉल्व मोर, कि कौन सा ज़्यादा घुला पानी में। बिटवीन सॉल्ट एंड शुगर सॉल्ट डिसॉल्वड मोर, दोनों में कौन सा ज़्यादा घुला, सॉल्ट। विच डिसॉल्व्स मोर शुगर ऑफ सॉल्ट इफ द वाटर इज हीटेड, डू इट एट होम, है ना, अगर कौन सा ज़्यादा घुलेगा, अगर पानी गर्म रहेगा शुगर या सॉल्ट, कौन सा ज़्यादा घुलेगा। इफ वाटर इज हीटेड सॉल्ट डिसॉल्व मोर, कौन सा अधिक घुलेगा, नमक। वॉट डज अ स्वीट मेकर डू टू प्रिपेयर शुगर सिरप टू मेक स्वीट, फाइंड आउट, है ना, जो शुगर सिरप किस प्रकार से बनाते हैं उसको आपको बताना है। जो चाशनी बोलते हैं हम लोग, है ना, शुगर सिरप, उसको चाशनी जैसे कुछ बनाते हैं, गुलाब जामुन या पेठा कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग शुगर सिरप चाशनी बनाते हैं ना, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। टू प्रिपेयर शुगर सिरप, शुगर इज कुक्ड विथ वाटर, जो शुगर है उसको पानी में पकाया जाता है, उबाला जाता है, एक तार की चाशनी बनाने के लिए उसको गाढ़ा पकाया जाता है, वो शुगर सिरप है आपका। नेक्स्ट है, हु सैंक एंड हु स्वैम, कौन सा डूबता है और कौन सा फ्लोटिंग तैरता है। इन द एबव एक्सपेरिमेंट्स रवि शाह द थो द पेंसिल डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रवि देखता है कि जो पेंसिल है वो पानी में नहीं घुलता, इट वॉज फ्लोटिंग, वो फ्लोटिंग करने लग जाता है, मतलब पानी की ऊपरी सतह पे तैरने लग जाता है। ही ट्राइड टू सिंक, उसको डुबाने की कोशिश करता है, इट इन टू द वाटर, वाटर में डुबाने की कोशिश करता है, बट डिड नॉट सक्सेस, बट वो सफलता नहीं मिलता, नहीं डूबता है। रवि डिसाइडेड टू सी वाटर दिस फ्लोट एंड वॉट थिंग सिंक, तो वो डिसाइडेड करता है कि कौन सा जो वस्तु है फ्लोट करेगा और कौन सा वस्तु सिंक मतलब डूबेगा। फॉर दिस ही पुट अ फ्यू थिंग्स ऑन द वाटर, और वो कुछ वस्तु को वाटर में डालता है, रखता है। यू टू गैस
and fill in the table. What are the things that sink into the water and what are the things that do not? है ना, कौन सी ऐसी वस्तु है, क्या क्या जो पानी के अंदर डूबता है और कौन सी वस्तु है जो पानी के ऊपर में फ्लोट करता है. डू एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई यूर गैसेस. अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है इस जो गैसेस को कंप्लीट करने के लिए. देखिए कौन सा डूबता है कौन सा नहीं डूबता है. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से देखिए आप. यहाँ पे टेबल भी दिया गया है. टेक अ बकेट, बकेट मतलब एक बाल्टी लेना है, उसमें क्या होना चाहिए, फुल ऑफ वाटर होना चाहिए. नाउ पुट द थिंग्स ऑन द वाटर एंड सी. अब देखिए कुछ वस्तुओं को उस पानी में डालिए. वॉट आर द थिंग्स विच फ्लोट एंड वॉट आर द थिंग्स विच सिंक. अब देखिए डाल के कुछ वस्तु जो है, कौन सी वस्तु जो है फ्लोट करती है, कौन सी वस्तु डूब जाती है. फिल इन द टेबल. पेंसिल, पेंसिल अभी दिखाई थी ना, फ्लोट किया था वो, तो यहाँ पे यस आएगा और सिंक में नो. नेक्स्ट है रबड़. रबड़ क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, रबड़ जो है पानी में फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा. देखिए ये जो आपका पानी है ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर में ये जो रबड़ है ये हम डाल रहे हैं, ये क्या हुआ देखिए, सिंक हो गया, पानी के अंदर डूब गया, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंक. मार्बल जो कंचे है वो भी सिंक हो जाएगा. स्केल, स्केल जो है क्या करेगा, पानी के अंदर फ्लोट करेगा, है ना. पानी के अंदर फ्लोट करेगा कि सिंक होगा, जैसे प्लास्टिक स्केल है वो फ्लोट करेगा और जो लोहे वाला है वो सिंक करेगा. स्टोन, स्टोन में जो पत्थर है वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा. स्टोन जो है सिंक डूब जाएगा और वैक्स फ्लोट करेगा, है ना, पानी की ऊपरी सतह में. स्टील बॉल, स्टील बॉल जो है वो भी फ्लोट करेगा, खाली रहेगा तो अगर उसके अंदर पानी डालें तो वो सिंक डूब जाएगा. प्लास्टिक मग वो भी फ्लोट करेगा और की है वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट है द एग सैंक एंड फ्लोटेड. जो एग है डूबेगा कि फ्लोट करेगा इसको देखते हैं. टेक एन एग, एक अंडा लेना है आपको. नाउ ड्रॉप इट ऑन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, और उसको एक ग्लास पानी में डुबा देना है. व्हाट हैपेंड, इट सैंक, कम लेट्स फ्लो इट ऑन द वाटर. अब इसको क्या करते हैं, ये पानी के अंदर डूब गया तो उसको वाटर में तैराते हैं. पोर सम सॉल्ट इन टू द ग्लास इन विच द एग सैंक. उसको क्या करना है, जो पानी में डूबा हुआ है ना एक, उसी पानी में आपको सॉल्ट मतलब नमक को डालकर घोलना है. कीप ऑन पोरिंग द सॉल्ट एंड कीप ऑन शेकिंग इट अंटिल द एग स्टार्ट्स फ्लोटिंग. इसको जब तक घोलना है जब तक कि आपका जो एग है फ्लोट करना स्टार्ट ना कर दे, मतलब उसमें बहुत सारा नमक ऐड करना है. डिड द एग स्टार्ट फ्लोटिंग, यस द एग स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ एडिंग सॉल्ट टू वाटर. क्यों फ्लोट किया, क्योंकि उसमें क्या मिला दिया गया, नमक, है ना, इसी कारण वो क्या हुआ, फ्लोटिंग हुआ नमक होने की वजह से. ऐसा ही एक क्वेश्चन है, यू विल बी सरप्राइज टू नो अबाउट टू अ सी इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट इवन इफ सम वन फॉल्स इन टू इट ही वी नॉट सी. ये एक ऐसा समुद्र है जहाँ पे किसी भी चीज़ को डालो तो वो डूबता नहीं है, वो फ्लोटिंग करने लग जाता है ना, तैरने लग जाता है उसमें. दिस सी इज नोन एज डेड सी, और उसको किस नाम से जानते हैं, डेड सी के नाम से जानते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख भी सकते हैं.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन पहले रखेंगे, व्हाट डिड वी लर्न। ओरल क्वेश्चन में है व्हाट आर द थिंग्स लाइक वाटर दैट वी कैन ड्रिंक। अब वाटर के समान क्या क्या चीजों को पीते हैं इसको पूछा जा रहा है। सो आपका आंसर हो जाएगा मिल्क, लेमन जूस, है ना, लेमन वाटर जूस, लस्सी एक्सेट्रा आर लाइक वाटर दैट वी कैन ड्रिंक। ये पानी के समान जिसे हम पीते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, बिसाइड वाटर इन व्हाट डिसॉल्व शुगर। बिसाइड वाटर शुगर डिसॉल्व इन मिल्क एंड कर्ड। शुगर जो है, जो मिल्क है ना, दूध और दही से मिलाकर उसमें घोलते हैं। रिटर्न क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स विच फ्लो लाइक वाटर। आपको इस वस्तु का नाम लिखना है जो पानी की तरह पानी में तैरता है। सो लाइक योर आंसर इज मिल्क, ऑयल, पेट्रोल एंड जूस आर द थिंग्स विच फ्लो लाइक वाटर। क्वेश्चन टू, राइट द फोर क्वालिटीज ऑफ वाटर। आपको कितना फोर क्वालिटी लिखना है वाटर का, सो यू राइट दिस टाइप ऑफ आंसर। क्वालिटीज ऑफ वाटर आर, फर्स्ट, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, वाटर एक अच्छा विलायक है, मतलब सब चीज़ को घोल सकता है अपने अंदर। सेकेंड, वाटर इज कलरलेस, वाटर का कोई रंग नहीं होता है। थर्ड, वाटर इज ऑडरलेस, मतलब नो स्मेल, गंधहीन होता है वो। फोर्थ, वाटर इज टेस्टलेस, वो स्वादहीन भी होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द थिंग्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तीन वस्तुओं, मतलब कोई वस्तु है, नाम बताना है जो पानी में नहीं घुलता है, वो पानी के अंदर डूब जाता है। सो यू राइट दिस टाइप ऑफ आंसर, सैंड, मार्बल्स, स्टोन, ऑयल, वैक्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर द थिंग्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। रेत है, आपके कंचे हैं, आपको पत्थर, तेल, वैक्स, जो मोह है, प्लास्टिक है, वो पानी के अंदर नहीं घुल सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ डेड सी। डेड सी का स्पेशलिटी, मतलब विशेषता बताना है आपको। सो आंसर है, देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर ऑफ डेड सी। उस डेड सी में बहुत सारे नमक घुला होता है, इसी कारण वहाँ व्यक्ति नहीं डूबता, तैरने लगता है, है ना। इट समवन फॉल्स इन टू इट विल नॉट सिंक। अगर कोई उस समुद्र में या पानी में गिरता है ना, तो वो नहीं डूबेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मैच द कॉलम। मैच करना है आपको शुगर सिरप सॉल्यूशन विथ एक्सेस शुगर की सिंक इन टू द वाटर फ्लोटिंग एक डिसॉल्व मोर सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट है डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में घुलता है। प्लास्टिक डॉल क्या करता है, फ्लोट ऑन द वाटर। जो प्लास्टिक डॉल है वो पानी के अंदर तैरने लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।